मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी की सबसे बड़ी ताप विद्युत इकाई संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगलिया बीड़ में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर ने अचानक शुक्रवार की रात पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। वहीं मजदूरों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को भी जाना। मंत्री प्रद्युमन सिंह ने शनिवार सुबह ताप परियोजना के आवासीय परिसर में रहने वाले लोगों से भी समस्याओं के बारे में पूछा और अधिकारियों को तत्काल दिशा निर्देश देकर समस्याएं हल करने की बात कही। वहीं सुबह ताप परियोजना में एक बार फिर निरीक्षण करने पहुंचे, जहां कॉल हैंडलिंग प्लांट के साथ ही अन्य जगहों का भी निरीक्षण किया और कमी पाए जाने पर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों के साथ दोपहर में पत्रकार वार्ता में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कुछ सवालों का जवाब दिया। वहीं कुछ अनसुलझे सवाल पूछने पर पत्रकारों को जवाब देने में परेशानी भी महसूस की और गोलमाल जवाब दिया। जहां सिंगाजी ताप परियोजना मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है और जिसकी सुपर क्रिटिकल यूनिट पिछले 8 माह से बंद पड़ी है और करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि भी हुई है। अधिकारियों की लापरवाही से ताप परियोजना में आए दिन कोई न कोई समस्या और विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती। वहीं ताप परियोजना में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री जीतू पटवारी ने भी विधानसभा में सवाल उठाया था, जिसे लेकर मंत्री प्रद्युमन सिंह ने यह दौरा किया। लेकिन अब देखना होगा कि सिंगाजी ताप परियोजना मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के दौरे के बाद क्या लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरेगी या फिर जाँच कमेटी के नाम पर सारा मामला यूं ही दबा दिया जाएगा। बूंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। प्रदेश में भी आप जहाँ भी ताप घर में जाते हैं या फिर किसी भी विद्युत ग्रह में भी जाके आप कर रहे हैं तो एक अलग छवि उभर रही है। तो क्या आप मानते हैं कि शिवराज सरकार में और कमलनाथ सरकार में बड़ा अंतर है, जब यहाँ पर खुद मंत्री विधायक? निश्चित रूप से शिवराज सरकार में माननीय के नेतृत्व में काम करने के लिए मौका अवसर दे चर्चा की जाती है। कमलनाथ जी के पास समय की उपलब्धता नहीं थी, समय नहीं था उनके पास। वो काम करने वाले लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन करने का समय उनके पास नहीं थी। उनकी रुचि सिर्फ वल्लभ भवन में बैठ कर के चंद ठेकेदारों के साथ के लिए समय होता था, आम जन के लिए समय नहीं होता था। ये अंतर है। अभी मंत्री जी औचक निरीक्षण हुआ है सुबह, इसके माध्यम से थर्मल पावर प्लांट है, इसको और भी जीर्णोद्धार कीजिए, वो भी अपना काम चालू कर दें। किसी मामले में एफआईआर के निर्देश भी दिए सर? देखिए, जब हमारे यहाँ कोई कर्मचारी काम करता है तो उसके अनुकूल वातावरण, ये कानून तो मैंने पूछा कि ये जहाँ पे हमारा ऑपरेटर बैठता है वहाँ का गर्मी है, एसी लगाया तो क्यों लगा है, एसी चालू नहीं है। उसने कहा कि 3 दिन से नहीं है। फिर उसका जब पूरा मेरे जानकारी लिया तो काफ़ी समय से बंद नहीं था, तो झूठ बोल रहा है। कर्मचारियों के अनुकूल वातावरण न बने, झूठ बोलना तो अपराध है, कमियाँ छिपाना है। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि उसको खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करिए, जो बनती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।